में तो ये है कि ये पठान है, तो पठान जो होते हैं वो अपनी फैमिलीज को बाहर नहीं निकालते, तो ये भी पठान है, ये इतना हमें पता है। तो अच्छी फैमिली है, गलत नहीं है, हमारे मोहल्लेदारों के साथ तो बड़ी अच्छे रहे हैं। शादी हमारे लिए तो सरप्राइज थी, हमारे सामने तो नहीं हुई। अच्छा, अच्छा, वो अंदर लिखाते हुई है, तो बाद में पता चला कि जी शादी हो गई है इसकी। अच्छा। फ्रेंडशिप होती है अक्सर लड़कों के साथ, वैसा इसके बारे में सुनते रहे हैं। कुछ हमारे मोहल्ले के लड़के थे, कुछ बाहर के थे, ये बच्चे कुछ इस तरह के थे। इसकी फैमिली में रोक टोक ज्यादा थी, लेकिन ये माँ बेटी अलग से रहना चाहते थे। अच्छे घर में शादी हुई थी, इनके ससुराल वाले बड़े अच्छे थे, खानदानी लोग थे। ये हमने कहानियां सुनी हुई हैं अपने वर्डों से, लेकिन ये माँ बेटी अलग क्यों रहना चाहते थे इसका हमें नहीं। वो एहसान शाह था जो इधर, वो जो आता था इधर फॉर्च्यूनर पे आता था, तो वो इस तरह जो भी था मिलता था, उसके भाई ने कहा तुम इस तरह करो कि शादी कर लो इससे, तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूं आपके होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, आज का सोशल मीडिया पर एक ही केस जो है बहुत हाईलाइट है, अहसन शाह। अहसन शाह कैसे मर्डर हुआ, और आजकल जो है अहसन शाह की बीवी अर्शिया के बारे में बहुत जो है चहमगोया की जा रही है। आज जिस मोहल्ले में मैं मौजूद हूँ, अगर मेरे आप उल्टे हाथ पर देखे तो यहाँ पर हम मौजूद है अर्शिया मकसूद, जिसके बाप का नाम है मकसूद। आज हम अर्शिया के घर पर मौजूद है, और यहाँ आप देख सकते के घर को जो है अंदर से ताले लगे हुए हैं, और जो चेंज है चेंज के साथ बंद कर दिया गया है, और घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है, घर बिल्कुल खाली है। तो यहाँ अहले जो इलाका है, अहले मोहल्ला, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या अर्शिया के बारे में जो सोशल मीडिया पर बातें जो अफवाहें फैल रही है कि वो इस तरह की थी, ऐसी थी, क्या ये सच है, और अर्शिया के बारे में मजीद ये क्या चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक हुमायूं। सर मुझे ये बताइएगा कि किस तरह, किस मोहल्ले से ताल्लुक है आपका? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अर्शिया भी यहीं की थी? हाँ जी, वो भी देखते हैं। सही, ये घर के बारे में बताइए। तो इसके बारे में ये पता है, इस वक्त के ताले लगे हुए हैं, इनके अंदर मामला क्या बन रहे हैं वो तो हमें गली में रहते हुए भी ऑनलाइन पता चलते हैं ना, तो मोहल्ले का इतना नहीं पता होता। आज पता चला है ये इसलिए घर में नहीं है कि इनके साथ कोई वाकयात हुए हैं। इनके हस्बैंड है, वो पिछले दिनों में उनकी डेथ हुई है, कत्ल हुआ उनका, हमें तो यही पता चला है। और कितना अर्सा हो गया इन्हें यहाँ रहते हुए? और आपको तो इधर की जंपल है। अच्छा। ये पैदा मेरा ख्याल है यहीं पे हुई है। सही। तो मतलब मोहल्लेदारों को पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, किस तरह का बंदा है। तो ये किस तरह की थी, जिस तरह सोशल मीडिया पर अफवाहें, क्या उसी तरह थी? आपकी नजर में क्या है, आप क्या कहेंगे? मेरी नजर में तो ये है कि ये पठान है, तो पठान जो होते हैं वो अपनी फैमिलीज को बाहर नहीं निकालते, तो ये भी पठान है, ये इतना हमें पता है। तो अच्छी फैमिली है, गलत नहीं है, हमारे मोहल्लेदारों के साथ तो बड़ी अच्छे रहे हैं ये। सही। और अर्शिया की शादी के बारे में बताइएगा। अर्शिया की शादी हमारे लिए तो सरप्राइज थी, हमारे सामने तो नहीं हुई। अच्छा, अच्छा। वो अंदर लिखाते हुई है, तो बाद में पता चला कि जी शादी हो गई है इसकी। अच्छा। तो वो जो अहसन शाह है जो कत्ल हो गया, उसके बारे में बताइएगा। वो कभी यहाँ आया आपने? कभी उसे देखा? कभी उसे नहीं देखा, सिर्फ ऑनलाइन ही देखा। अच्छा, ये बात भी बड़ी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि अर्शिया की ये पहली शादी नहीं थी, इससे पहले भी शादी हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? शादी का नहीं लिया बिल्कुल भी कि पहले हुई थी नहीं हुई, वो इतनी छोटी एज की थी कि शादी का इसका सोचा भी नहीं है कि। हाँ, लड़कियों की फ्रेंडशिप होती है अक्सर लड़कों के साथ, वैसा इसके बारे में सुनते रहे हैं। कुछ हमारे मोहल्ले के लड़के थे, कुछ बाहर के थे, ये बच्चे कुछ इस तरह के थे। इसकी फैमिली में रोक टोक ज्यादा थी, लेकिन ये माँ बेटी अलग से रहना चाहते थे। अच्छे घर में शादी हुई थी, इनके ससुराल वाले बड़े अच्छे थे, खानदानी लोग थे। ये हमने कहानियां सुनी हुई हैं अपने वर्डों से, लेकिन ये माँ बेटी अलग क्यों रहना चाहते थे इसका हमें नहीं पता। कितनी बहनें, कितने भाई, वालिद के बारे में? वालिद इसका आउट ऑफ कंट्री होता है, यही हमें शुरू से पता है। बस वो खर्चा वगैरह भेजता था तो घर चलता था, और कमाई का कोई जरिया नहीं था। कितनी बहनें हैं? ये भी मेरे ख्याल दो बहनें हैं, एक वो छोटी है, एक ये खुद है। अभी आपको पता है कहाँ चले गए,
नहीं बिल्कुल नहीं मैम, ये तो नहीं पता। पूरी मीडिया घूम रही है, ढूंढ रही है इनको, लेकिन हमें नहीं पता कि वो इस टाइम कहाँ पे और कब के गए हैं। चार पाँच दिन हो गए ये घर में नहीं है। तो ये जो ताले लगे हुए हैं ये पुलिस ने रेड की या वो पहले से ही? रात के अंदर अंदर ही कुछ हुआ है, हमें सुबह पता चला कि ताले लग चुके हैं। अच्छा। पुलिस कब आई है ये भी नहीं हमें पता। बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद है जो इसी मोहल्ले का, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, अहमद इसी मोहल्ले के हो आप? जी जी। अच्छा, अभी हम कहाँ मौजूद है? अर्शिया के घर के बाहर। तो इसे जानते हो आप अर्शिया को? मुझे तो 3-4 मंथ हुए इधर आए, इतनी ज्यादा देर नहीं हुई। कभी सुना अर्शिया के बारे में? जी सुना तो है इन्हों के बारे में। क्या सुना है आपने? वो अहसन शाह था जो इधर, वो जो आता था इधर फॉर्च्यूनर पे आता था, तो वो इस तरह जो भी था मिलता था, उसके भाई ने कहा तुम इस तरह करो कि शादी कर लो इससे, तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? उबैद। उबैद, क्या कहना चाहेंगे अर्शिया के बारे में? ये कब से घर से गए हुए हैं? ये लोग हो गया 4-5 दिन हो गए। आप इसी मोहल्ले के? जी। कितना अर्सा हो गया? शुरू से। तो अर्शिया को कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? ये भी शुरू से यहाँ से। कभी ऐसा क्या हुआ कि घर जो है ताले लगे हुए? ये तो आप जो उन्होंने किया वो हमें तो सही पता नहीं। मौजूद है अर्शिया के घर के बिल्कुल बाहर, इसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हमाद। हमाद, बताइएगा कि अर्शिया के बारे में क्या जानते हैं आप? क्या नहीं, हम काफी अर्सा हो गए इधर रहते, सही थी और अहसन शाह का जो कत्ल हुआ उसमें बहुत दुख हुआ, लेकिन वो जो बुलाए टीपू फोत हुआ उसकी तरफ से ही काफी दुख हुआ। वो भी नौजवान ही गया था, इनका भी नौजवान गया, लेकिन अब जो भी है जो मुजरिम है उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, ये घर किसने बंद किया और कैसे ये ताले क्यों लगे हुए हैं, कब से ये भागे हुए? ये 3-4 दिन ही हुआ है, पुलिस की जब रेड पड़ी है ना तब का। पुलिस ने रेड भी की? हाँ जी।